है दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों यहाँ पर डेली आपको शाम पाँच बजे पी का टेस्ट कराया जाता है जहाँ पर आपको हिंदी और जीके दोनों एक साथ कराए जाते हैं और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर पी का फार्म आने वाला है तो आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहिएगा डेली क्लासे आपकी चलती हैं और प्ले के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चले ठीक है तो चलते स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें ठीक है चलिए तो स्टार्ट किया जाए चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है भाषा और लिपि है भाषा और लिपि भाषा और लिपि क्या होती हैं एक दूसरे क्या होती विरोधी तो होती नहीं है एक दूसरे के पूरक होते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से हुई है पश्चिमी हिंदी तो देखो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है सौर सेनी अभ्रंश से बिल्कुल सही है क्योंकि जो आपका मथुरा का एरिया था वो आपका सौर सेन के नाम से आपका जाना जाता है वहाँ एक शासक भी था तो इसे याद रखिएगा सौर सेनी अभ्रंश है तो आपका टू का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सौर सेनी अभ्रंश नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा भारत संघ की राजभाषा है भारत संघ की राजभाषा है हिंदी है अंग्रेजी है या दोनों हैं तो हमने देखो आपको टेलीग्राम पे भी बता भी दिया था है ना कि जो आपकी संघ की राजभाषा कैसी है तो आपकी हिंदी है लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी के अतिरिक्त भी आपकी अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है जो आपका धारा तीन दिया गया है ठीक है धारा तीन दिया गया है वहां पर आपको बताया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जा सकता है ठीक है ना ये आपका दिया गया है इस कारण से इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ए और आपका बी दोनों ही हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न का आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है तो आपको पता होगा आपने पढ़ा भी होगा कि जो बाईस आपकी भाषाएं हैं इन भाषाओं का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी अनुसूची में है तो याद रखिए वह बाईस भाषाएं बिल्कुल सही जवाब है बाईस भाषाओं का जो मिलता है वो आपकी आठवीं अनुसूची में है ऑप्शन रेटअप के यहाँ पर डी नंबर आठवीं अनुसूची क्लियर है अगला क्वेश्चन आपका व्याकरण क्या है व्याकरण क्या है तो आपके व्याकरण क्या होते हैं तो देखो व्याकरण में क्या होते हैं आपको नियम बताए जाते हैं ना कोई त्रुटि होती है किस प्रकार से तो आपको क्या होती है याद रखिए व्याकरण क्या होती है तो व्याकरण आपकी भाषा का नियम होता है इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा भाषा का नियम ठीक है क्या बनेगा भाषा का नियम बन जाएगा अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी होती है चलिए जवाब दीजिएगा यहाँ पर दिया है तीस के आसपास चालीस के आसपास पचास के आसपास या साठ के आसपास तो आपने देखा होगा कि हिंदी वर्डमाला में आपके वर्डों की संख्या कितनी है आपकी बावन है और आपके वर्डमाला में आपके स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं तो अब ऑप्शन के अनुसार बताइए किसको लगा दें अब आप, आप किसको लगाएंगे तो आप लगाएंगे किसको ऑप्शन आपको सी को तो लगाएंगे ना पचास के आसपास है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए चलिए शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है और शुद्ध वर्तनी अगर पूछा गया है तो आप आसानी से जवाब बता सकते हैं और इस प्रश्न को हमने कम से कम पाँच से छह बार आपको बताया है इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन देखेंगे वो लोग जरूर कमेंट करेंगे और आप लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट करिएगा ठीक है चलिए शुद्ध वर्तनी आपका चयन करना है शुद्ध वर्तनी आपका दिया है और ये भी प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया है तो दो प्रश्न आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है छोटा आ प्लस छोटी छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए हमने आपको बताया था ए जो आपका होता है एक ही मात्रा होती है और एक ही मात्रा जो आपकी लगी होती है कहाँ लगी होती है ये लगी होती है आपकी गुण संधि में है ना किसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपकी गुण संधि आपका हो जाएगा गुण संधि क्लियर है ना ये चलिए अगले प्रश्न का आते हैं प्रश्न आपसे अगला है कृत्य प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है कि जो कृत्य प्रत्यय होते हैं कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो ये जुड़ते हैं किसमें तो देखो क्रिया के है ना क्रिया के अंत में लगते हैं तो कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्रिया के अंत में ठीक है अगला क्वेश्चन आपका दिया है देवासुर में कौन सा समास है देवासुर बोलने में पता चल रहा है देवासुर मतलब होता है देव और असुर क्या बन गया देव और असुर इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका और शब्द भी आपका आ रहा है देव और असुर एक दूसरे के विलोमा भी हो रहे हैं अर्थात तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा द्वंद्व समास जिसका भी ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पाठशाला में कौन सा समास है पाठशाला पाठशाला यहाँ पर जवाब दीजिए पाठशाला पढ़ने के लिए जो आपका घर होता है उसे बोलते हैं पाठशाला तो यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाए कौन सा विभक्ति का प्रयोग किस में होता है विभक्ति का प्रयोग होता है आपके तत्पुरुष समास में है ना तत्पुरुष में तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है मगही शब्द है मगही शब्द तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मगही एक आपकी बोली भी है जो आपकी बिहारी में है है ना तो आपका मगही जो आपका है मगही ये आपका शब्द आया है आपकी तत्सम शब्द से ठीक है कैसा है आपके तत्सम शब्द से है ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया है लोटा शब्द कैसा है लोटा लोटा शब्द कैसा है लोटा ढिबरी है ना ये फुनगी उनगी किस में होता है ये सब आपको होता है आपको देखें जो आपको होता है किसमें देशज में होता है है ना देशज में होता है ऑप्शन सी हो जाएगा अगला है कमल किस प्रकार का शब्द है कमल किस प्रकार का शब्द है तो देखो कमल किस प्रकार का है तो आपको प, आपने पढ़ा होगा रूट शब्द यौगिक शब्द योग रूट शब्द है ना तो देखो यहाँ पर कमल है अगर एक को तोड़ देंगे तो किसी का मतलब नहीं निकलेगा इसका मतलब है कि ये जो शब्द आपका कैसा है आपका रूट शब्द है जैसे हमने आपको बताया हाथी है ना हाथी आपको दिया है इसे अगर तोड़ोगे तो किसी का अर्थ निकलेगा अगर एक शब्द लोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसी प्रकार इसे भी तोड़ोगे एक शब्द तो दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो इस कारण से आपका हो जाएगा मान लो अगर यहीं पर आपका होता विद्यालय है ना विद्यालय होता तो वै विद्या अलग हो जाता आलय अलग हो जाता तब तो वो आपका यौगिक बन जाता इस कारण से कमल कैसा है ये आपका हो जाएगा डूट शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विकारी शब्द का उदाहरण बताइए बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है आज की वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका यही है विकारी शब्द है यहाँ पर पहचान करिए अगर इस प्रश्न की पहचान करते हैं तो समझो कि हिंदी में काफ़ी अच्छे आपको नॉलेज हो गई है कह रहा है बहुत दिया है इधर दिया है इसलिए दिया है ओ दिया है तो हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था कि यहाँ पर विकारी शब्द क्या होते हैं विकारी शब्द होते हैं आपके कौन तो आपकी संज्ञा होती है है ना विकारी शब्द में संज्ञा आती है विकारी शब्द में आपके सर्वनाम भी आपके होते हैं और संज्ञा सर्वनाम आपकी क्रिया भी आपकी होती है और आपका विशेषण भी होती है है ना विशेषण होता है तो देखो विशेषण इनमें से कौन सा है विशेषण इनमें कौन सा है तो यहां पर आपका बहुत बहुत शब्द जो आपका है ये आपका विशेषण हो जाएगा तो विशेषण है तो आपको पता चल गया कि आंसर कौन हो जाएगा ए नंबर आपका यहाँ पर बहुत हो जाएगा विशेषण क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन आपका दिया है सूरभ का पर्यावर शब्द है सूरभ का पर्यावरची क्या होता है सूरभ सूरभ का पर्यावर होता है क्या सूरभ का होता है गाय बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यह नंबर सूरभ का पर्यावची आपका होता है गाय होता है गाय ठीक है चलिए अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है अधम का विलोम शब्द बताइए अधम का विलोम अधम का विलोम क्या होता है अधम का विलोम क्या होता है अधम का होता है उत्तम अधम का होता है उत्तम ऑप्शन राइट का ए हो जाएगा अधम का विलोम आपका हो जाएगा उत्तम हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्न का आते हैं प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कह निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है कह रहे राम की गाय दूध देती है देखो कि यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए था क्या होना चाहिए था राम की गाय दूध देती है ना यहाँ पर होती दिया गया है आपका पॉइंट गलत है मतलब आपका होना चाहिए यहाँ पर गलती हो गई है कोई दिक्कत नहीं है राम की गाय दूध देती है तो बताइए राम की गाय दूध देती है तो सरल वाक्य होगा या संयुक्त तो हो गया या मिश्र वाक्य तो देखो यहाँ पर आपका जो आपका जवाब हो जाए कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सरल वाक्य है, है ना क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो आपको वाक्य नहीं है कि कोई आश्रित हो या दूसरे पर आश्रित कर रहा हो है ना तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा ए नंबर ये आपका सरल वाक्य है ठीक है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु तो सफलता नहीं मिली उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली यहाँ पर आपका बीस का जवाब दीजिएगा चलिए बीस का जवाब आपसे पूछा गया है बीस का जवाब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर तो शब्द आपका आ चुका है तो शब्द अब तो शब्द किस में होता है दो तो शब्द किस में होता है तो ये होता है आपकी संयुक्त वाक्य में किस में होता है संयुक्त वाक्य में तो आपका बीस का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर संयुक्त वाक्य है ठीक है देखो ये बहुत ही आसान होते हैं बस इनको आप पढ़ लोगे तो एक प्रश्न तो आपका हंड्रेड परसेंट ही होता है हंड्रेड परसेंट होता है और कभी कभी दो से तीन प्रश्न आपके बन जाते हैं तो आराम से इनको पढ़ लीजिएगा बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही आसानी से यहाँ तैयार हो जाते हैं हाथ का मैल है ना हाथ का मैल होता है वैसे हाथ में मैल दिया है हाथ का मैल तो भाई हाथ का मैल मतलब होता है ना बोलते हैं ना ये तो हमारे लिए हाथ का मैल है मतलब कह सकते हैं बहुत ही तुच्छ वस्तु तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर तुच्छ वस्तु हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है श्रृंगार रस का स्थाई भाव श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है तो आपका होता है प्यार क्या होता है प्यार होता है श्रृंगार रस का क्या होता है आपका प्रेम होता है यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा बाइस का ए हो जाएगा प्रेम हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुस चून पंक्तियों में कौन सा छंद है यहाँ पर बताइए कौन सा छंद आपका हो जाएगा तो देखो हमने आपको कई बार बताया भी है कई बार आपने पढ़ा भी है तो यहाँ पर देखो पानी दिया गया है और पानी के आपके अनेक अर्थ निकलते हैं अनेक मतलब कह सकते हैं तीन आपके अर्थ होते हैं तो पानी का एक अर्थ आपको यहाँ पर दिया है मोती है ना और आपका मानुस और आपका चून तो शब्द एक हो अर्थ अनेक होता है तो वहां पर आपका होता है कौन सा तो आपका कह सकते हैं स्लेश होता है है ना स्लेस होता है तो अच्छा ये स्लेस होता है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छंद ओहो यहाँ पर आपका छंद पूछा है तो भाई ये छंद पूछा है तो रहमन पानी राखिए और राखिए पानी तो भाई यहाँ पर नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए यहाँ पर आपका सिंगल यहाँ पर सिंगल यहाँ सिंगल यहाँ भी सिंगल यहाँ पर डबल यहाँ पर डबल यहाँ पर डबल यहाँ पर आपका यहाँ पर सिंगल ठीक है फिर आपका यहाँ पर कह सकते हैं डबल तो मात्राएं गिनना शुरू करेंगे तो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो कितनी आ गई तेरह मात्रा आ गई और तेरा जो वाला होता है कौन होता है तो दोहा वाला होता है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा ये आपका दोहा है क्लियर हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है चाहे कुछ भी यहाँ कर लो और हमने बताया भी था कि अलंकार और रस और ये छंद ये सब घुमा फिरा के उदाहरण वही होते हैं बस वहाँ पर पूछा ये जाता है वहाँ पर पूछा वो जाता है समझ में आ गया चलिए वीर गाथा काल किसे कहा जाता है वीर गाथा काल तो वीर गाथा काल किसे कहते हैं तो आपका जवाब हो जाए कौन सा फटाफट जवाब देते रहिए भाई वीर गाथा का काल कहा जाता है आपके आदिकाल को ठीक है याद रखिए वीर गाथा काल किसे कहा जाता है आदिकाल को चौबीस क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा आदिकाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है भाई मैथिली गुप्त नागार्जुन जयशंकर प्रसाद या आपका रामधारी सिंह दिनकर तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आपका, आपका ए नंबर मैथिली गुप्त हैं ठीक है मैथिली गुप्त हैं अगले प्रश्न को आते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जी का क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कह रहे हैं हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं देखो है की बात किया है तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा अगर ये पूछ, ले देता, पूछ लेता कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे प्रारंभ में तब आपके दस हुआ करते थे और याद रखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे यहाँ से यह क्वेश्चन और बनता है कि हमारे भारतीय संविधान का प्रारंभ में एक अंग नहीं था क्योंकि जो आपके कह सकते हैं आपके मूल कर्तव्य हैं ये आपके प्रारंभ में नहीं थे इनको बयालीसवां संविधान संशोधन जो आपका था 1976 सौ छिहत्तर में उन्नीस में, में जोड़ा गया था ठीक है में जोड़ा गया था प्रारंभ में हमारे संविधान में ये नहीं थे ठीक है 1976 में आपको जोड़े गए थे मिनी संविधान जिसे कहा जाता है बयालीसवें उसमें आपके जोड़े गए थे तब आपके इसमें कितने थे दस थे लेकिन एक आपका जो आपका एक्स्ट्रा हुआ है कौन सा हुआ है तो आप कह सकते हैं जो आपका शिक्षा का अधिकार वाला वो इसमें जोड़कर आपके ग्यारह हो गए हैं तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है आपके रसिया से बस इससे अगला क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपका दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है तो देखो ग्राम पंचायत का गठन ग्राम पंचायत का गठन आपको पढ़ाया भी है कि जो आपका आर्टिकल 40 है आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत गठन क्या आपके यहाँ पर कह सकते हैं आदेश देता है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका आपका अनुच्छेद चालीस अगला है पूंजी लाभ से क्या अभिप्राय है पूंजी लाभ भाई पूंजी लाभ किसे होगी जब उसके पैसा में वृद्धि होगी संपत्तियों के मूल्य मूल्य में वृद्धि किसी व्यापार में निवेशित पूंजी के परिवर्तन परिवर्धन पूंजी में पर वर्धित लाभों का हिस्सा उपयुक्त में से कोई नहीं तो आपका जवाब कौन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा पर संपत्तियों की मुद्रा मूल्य में आपकी वृद्धि ए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है चौवन नंबर का जवाब देना है चौवन का जवाब सही क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें से सार्वजनिक हो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का एक सह अस्तित्व होता है तो आपके भारत में जो आपकी व्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है ठीक है अगला है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक तो अर्थशास्त्र का जनक जो आपके हैं याद रखिएगा आपके कौन है एडम स्मिथ ठीक है एडम स्मिथ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनकी एक पुस्तक थी ठीक है वेल्थ ऑफ नेशन उस पुस्तक में रचना की थी इन्होंने ठीक है और उसमें से आर्थिक विचार लिखे गए थे ठीक है ये नंबर आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका है रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ हैं ये आपके हानिकारक पदार्थ कौन से हो जाएंगे तो ये आपके हानिकारक पदार्थ होते हैं आबिस क्या होते हैं जिन्हें टॉक्सिल बोलते हैं इन्हें टॉक्सिल बोलते हैं या कह सकते हैं आबिस बोलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा आबिस कह सकते हैं टॉक्सिल अगला क्वेश्चन आपका पूछा है मानव शरीर में स्नायु किससे के बने होते हैं मानव शरीर मानव शरीर में स्नायु स्नायु आपने सुना है इसके पहले सुना है नहीं सुना है तो आपने ये तो सुना होगा कि जो आपका लीगामेंट होता है ये सुना है कि नहीं सुना है लीगामेंट जो है ये सुना है जैसे अड्डी होती है अड्डियों हो के बीच में जोड़ने के लिए है ना जो आपके जुड़े होते हैं लीगामेंट से जुड़े होते हैं ना तो यहाँ पर कैसे जो होते हैं किसके होते हैं अब आपको समझ में आ गया है कि ये आपके होते हैं श्वेत रेसे और कुछ आपके पीत आपके प्रत्यास्थ रेसे होते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्वेत रेसे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेसे होते हैं ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न प्रकार के मलेरिया में कौन सा प्रणासी मलेरिया है अच्छा तो किस प्रकार के मलेरिया में कौन सा प्रणासी मलेरिया है प्रणासी मलेरिया है तो यहाँ पर प्रणासी एक प्रकार का देखा जाए दुर्दम दुर्दम मतलब होता है आपका मैलीगन मैगलीनेंट ठीक है यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा दुर्दम होता है इंग्लिश में बोलते हैं मैलीगनेंट ठीक है मैगलीनेंट बोलते हैं और यह जो रोग होता है ना वो प्लाज्मेडियम एक फे, फेल्सी फेरम परजीवी के कारण आपका होता है ठीक है किस कारण से तो प्लाज्मोडियम फेल्सी पेरस आ, पेरस पेरम पेरम ठीक है फेल्सी पेरम परजीवी के कारण आपका होता है ठीक है अब बायोलॉजी के ऐसे ऐसे नाम है तो फिर जानते हो क्या होगा चलिए कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरू मन मल पेरू मल मंदिर किसने बनाया कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ मल मंदिर किसने बनवाया किसने बनवाया तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आप राइट आपका यहाँ पर नंदीवर्धन कौन थे आपके नंदीवर्धन सेकंड नंदीवर्धन सेकंड थे इन्होंने बनवाया था और ये जो आपका है ये वैष्णव मत का एक समर्थक था ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे तो आपको पता है भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भाई तो आपका जवाब आपका जवाब क्या हो जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले है ना अरबवासी तो दिया नहीं है तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी आर्य लोग ने किया था आक्रमण किया था ये किए थे भाई पंद्रह सौ ईस्वी पूर्व में, पूर में किए थे ठीक है पंद्रह सौ ईस्वीपुर में किया था ठीक है और भारत आए थे और यहाँ अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली थी उसके बाद भारत में देखा ईरानियों आए थे यूनानी भी आए थे है ना ईरानी भी तो आए थे यूनानी भी आए थे और आपके अरबी भी आए थे लेकिन प्रथम अरब वाला जो आपका आया था वो आपके सात सौ बारह वाला आपका आया था है ना जो अरब प्रथम अरब बातरी कौन थे तो आपके सात सौ बारह में जो आक्रमण हुआ था तो यहां पर आपका दिया गया प्रश्न में सबसे पहले आक्रमण तो आपका आर्य हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया है नियागिर पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है नियागिर पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले तो भाई कालाहांडी हांडी जिले जिला दे दिया गया है अगर ये जिला आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं ये पड़ता है उड़ीसा में याद रखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर आपके उड़ीसा में पड़ता है कालाहांडी जिला ठीक है अगला क्वेश्चन आपका है चक्रवात कब होता है चक्रवात आपने देखा होगा चक्रवात आपने देखा होगा जब चक्रवात आता है तो इस प्रकार से आपके चारों तरफ आपका होने लगता है ना तो यहाँ पर कह सकते हैं चक्रवात की एक स्थिति होती है एक चक्रवात होता है एक प्रतिचक्रवात होता है जो केंद्र की तरफ आपका होता है है ना समस्त वायु देखाएं जो होती हैं वो विस्तृत हो जाती हैं केंद्र विमुख की तरह तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब आपका होता है तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ए नंबर आपका हो जाएगा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसका अगर उदाहरण आप समझना है कैसे आप देखिए मान लीजिए जो हमने बताया क्या कि केंद्र की ओर हवा चलने लगती है मान लीजिए आपका कोई चक्रवात चल रहा है कोई सामान होगी तो कहाँ जाएगी अंदर ही को तो जाएगी ना अंदर को जाएगी तो चक्रवात हो जाएगा और अंदर के सामान अगर बाहर की जाने लगे तो आपकी आखिर चक्रवात हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जायर का पुराना नाम क्या है जायर का पुराना नाम और हम बी एड एग्जाम की स्टैटिक जी के में हमने इसको पढ़ाया है अभी हाल ही में पढ़ाया आपको देखा था कल ही शायद पढ़ाया है तो यहाँ पर देखो आपका जैर का जो पुराना नाम है कौन सा है तो आपका तिरसठ ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर कांगो ठीक है क्या आपका कांगो देखो हम इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी स्टैटिक जी के होती है देखो सबके लिए उनकी होती है चाहे बी में आप पढ़ रहे हों चाहे आप यहाँ पर पी ईटी के ड्रेस लगाइए चाहे कोई भी लगाइए ये आपका होता ही है होता है ठीक है इसलिए स्टैटिक जी के आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और हम आपको पढ़ा रहे हैं जितनी भी क्लासे दे रहे हैं अगर उन पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लगभग सबका सिलेबस वही है है ना बस प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो गई है बस इतना ही है आपका ठीक है अगर आप समझदार हैं तो सभी क्लासें लेंगे अगर समझदार नहीं है तो आप ये सोचेंगे पी लिखा है पी पढ़ लेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दिया है भारत में आलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में आलवण जल की झील सबसे बड़ी कौन सी है आलवण मतलब होता है मीठे पानी की है ना लवण मतलब नमक होता है अब नमक नहीं होगा तो मीठे पानी हो जाएगी अगर नमक मिला होगा तो खारे पानी की हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी वुलर झील है बुलर झील है ये मीठे पानी की है ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बुलर झील ठीक है बुलर झील आपकी है कहाँ पर है कहां पर है बोला झील आपके जम्मू कश्मीर में है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका है घोल है घोल है क्या है घोल है क्या है तो देखो घोल में क्या होता है जब कोई दो चीजें मिला दी जाती है तो मिश्रित तो हो जाती हैं लेकिन वो किस प्रकार से मिश्रित होती हैं समांगी है ना समांगी होती हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका घोल कहलाता है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया है रक्त की उभय काम प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है रक्त की उभय प्रतिरोध मतलब बफर क्रिया एक होती है ये बफर क्रिया जो होती है वो किसके कारण होती है यहाँ पर छाछठ का ऑप्शन आपका बनेगा बी जो आपका होता है कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं एच सी ओ थ्री के जो आपके आपके ये होते हैं और हाइड्रोजन के आपके टू वाले आपका होता है ये सी ओ थ्री हो गया तो यहाँ पर इनके कारण आपकी होती है इनके उपस्थिति कारण होता है सी ओ थ्री के आपके यहाँ पर थ्री आपके होते हैं और आपके यहाँ पर सी ओ थ्री की यहाँ पर थ्री मतलब यहाँ पर एच और आपका यहाँ पर एच टू बस इसको याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस्में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है मतलब कार्बन जो आपका होता है सबसे ज्यादा किस्म होता है और याद रखिएगा लोहा अगर पूछे कि सबसे अच्छा लोहा कौन होता है जिसमें कार्बन अच्छा होता है वही लोहा अच्छा होगा अब कार्बन अच्छा कौन सा होता है तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ढलवा लोहा अब इसमें से क्या होता है टू पॉइंट सिक्स फाइव प्रतिशत आपके यहाँ पर कह सकते हैं कारण होता है वह पिटवा लोहा वहीं आपका जीरो पॉइंट वन टू से लेकर जीरो पॉइंट टू फाइव प्रतिशत होता है ठीक है ना तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक के संभावना युक्त प्रतीक होता है तो ये खाद्य श्रृंखला आपका है खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ा भी होगा कि जो एनर्जी आपकी होती है जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में घास खा घास कौन खाता है कीड़े खाते हैं है ना कीड़े खा लेते हैं कीड़े खाने के बाद वो कीड़े फिर मेढक खा लेता है मतलब ये होता है आपका डीडीटी ये एक पैसा आपका होता है प्रतीक डीडीटी होता है इसे रख लीजिएगा ऑप्शन के यहाँ पर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कैराप्स यहाँ पर कि सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे होती हैं सोनोग्राफी अब सोनोग्राफी क्या होता है सोनोग्राफी क्या होता है जब कोई आ, औरत प्रेग्नेंट होती है तो अगर उसके बच्चे को अगर चेक करना है कि पेट में बच्चा सही है या नहीं सही है है ना है क्या तो ऐसी स्थिति में सोनोग्राफी आपकी तरंगे आपकी यूज होती हैं जो आपकी परासरब तरंगे होती हैं ठीक है ठीके? क्या होती हैं परासरब तरंगे आपकी होती हैं जिससे मनुष्य का आ, ये सभी होते हैं ठीक है ऑप्शन के यहाँ पर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन दिया है आपका फिफ्थ जनरेशन मतलब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं वो पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें से क्या खासियत है

इसमें से कह सकते हैं एक सौ आठ आपके यहाँ पर कह सकते हैं दीपक होते हैं जिनमें से आ, एक महिला आती है और अपने सर पर एक कह सकते हैं एक पहिया होता है उस पर ये सब रखकर डांस करती है ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है बहुत बार हमने पढ़ाया है बहुत बार एग्जाम में भी आ, आया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर है तो ये आपके मेरठ में याद रखिए मेरठ में आपका विद्यालय है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मेरठ अगले प्रश्न को प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव को किस खेल हेतु उन्नीसवें कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ ये 19वीं कॉमनवेल्थ गेम गेम आपका है और इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था यह आपकी कुश्ती में प्राप्त हुआ था ठीक है किस में हुआ था भाई तो आपकी कुश्ती में प्राप्त हुआ था यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा ठीक है और आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे अच्छा ये क्वेश्चन देख लें एक मिनट ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में उत् उत्तर प्रदेश में राज्य स्त्री खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया तो याद रखिए राज्य स्त्री पर स्त्री राज्य स्तर पर जो आपका पहली बार तो आपका खेल का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी या आपके दो हजार में किया गया दो हजार में किया गया था ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी तो आपकी ये चित्रकला शैली कौन थी तो देखो मध्यकाल की बात किया है और मध्यकाल की बात किया है तो आपका जवाब हो जाएगा डी मुगल शैली मुगल शैली का उत्कृष्ट नमूना कहाँ देखने को मिलता है तो आपने देखा होगा आगरा में देखने को मिलता है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से ये रहे आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके जी और हिंदी की डेली क्लास आपकी होती है शाम पांच बजे से पसंद आता है तो डेली आइएगा लाइक भी करिएगा और आपकी अगली क्लास है आपकी साढ़े छः बजे से जो कि आपकी बी की क्लास है जिसमें से आपकी इस समय स्टैटिक जीके के चल रही है तो साढ़े छः बजे आप लोग स्टैटिक जीके आइएगा लिंक आपको दे दी गई है तो क्लिक करके यहाँ पर जा सकते हैं लेकिन साढ़े छः बजे से आपकी क्लास आपकी होगी ठीक है तो हम देखो बोल दिया है कि आप अगर सभी वीडियो देखते हैं तो हंड्रेड आपको सफलता मिलेगी लेकिन अगर आप ये सोचिए कि नहीं पी लिखा है बस इतना ही पढ़ लें है हाँ ना तो भाई ये आप लोगों की मानता है अगर आप बहुत ही मानता अगर समझो तो भाई सभी क्लासे ले लो हमारे हिसाब से तो उचित रहेगा कि सभी क्लासे लीजिए स्टेटक जी के चाहे यहाँ पर पढ़ाएं चाहे वहाँ पर पढ़ाएं आज वहाँ पर पढ़ा रहे हैं वह स्टेटेक जी के आपको एक महीने बाद यहाँ पर भी पढ़ाएंगे ठीक है तो अगर आपके पास टाइम है तो क्लास अभी लेते रहिएगा ठीक है और देख सकते हैं कि जल्द ही आपको यहाँ पर आज भी एक कटिंग आई थी पेपर की जिसमें लिखा गया था कि आपके सौ प्रश्न आपके होंगे और उसमें से यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होगी पीई में है ना पीई माइनस मार्किंग होगी और परसेंटेज के आधार पर यहां पर आपको कह सकते हैं आ, मतलब पास किया जाएगा ठीक तो आपके आपके है हिंदी जी के करा रहे हैं आपकी मैथ आएगी और आएगी। आपकी रीजनिंग आएगी ठीक है ये भी आपकी आनी है और भी साथ में कर सकते हैं जैसे आपके टॉपिक वाइज हैं उनको भी आपको करवा देंगे ठीक है डेली के डेली क्लास लीजिए शाम पांच बजे आप सभी का स्वागत रहता है ठीक है और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें शेयर करें धन्यवाद सभी को राधे राधे